लगभग कितने चालान किए गए इस कोरोना काल? देखिए, अब तक 42,000 से ज़्यादा लोगों का हमने चालान किया है मोटर व्हीकल एक्ट में, और करीब 5,000 लोगों पे हमने मुकदमा किया है जो कोविड एक्ट है, एपिडेमिक एक्ट, उसके उल्लंघन का 188 के मुकदमे, करीब 5,000 लोगों मुकदमे कायम हुए हैं, जिसमें 10,000 से लोग अभियुक्त बनाए गए हैं। करीब 8.5 लाख रुपये तक हम लोगों ने समन शुल्क वसूला है इसमें। इस तरह से लगातार अब जो नई नियमावली आई है, कोविड-19 की जो नई नियमावली बनी है, उसमें जो आदमी मास्क नहीं पहनेगा, जो आदमी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेगा, जो आदमी फेस कवर नहीं लगा के चलेगा, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, वो चाहे दुकानदार हो या कोई भी व्यक्ति हो। तो अभी हमने सारे पुलिस कर्मियों को, थाना अध्यक्ष को, सीओ को, सबको निर्देशित किया है कि जाओ ये दुकानों पे देखें, जो दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करा रहे, जो दुकानदार अपने यहाँ सैनिटाइजर नहीं रखे हुए, जो दुकानदार भीड़ लगा करके वो कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा कायम होगा। और जो व्यक्ति इन जो लॉकडाउन की शर्तें हैं, शर्तें ये हैं कि आपको फेस मास्क लगा के चलना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, अगर नहीं कर रहे हैं तो इनके खिलाफ मुकदमा कायम होगा। इसके लिए हमारी टीम सक्रिय है, 6 फीट की दूरी पे, चाहे दुकान हो, चाहे जहाँ भी हो, किसी भी संस्थान में, कहीं भी 6 फीट की दूरी पे एक दूसरे को रहना है, बाकायदे मास्क लगा के रहना है, ये है मेरे समय। सर, लॉकडाउन में अपराधियों के खिलाफ जो अभियान चला गया है, कितने अपराधियों पर गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई? देखिए, हमने कुल 300 अभी पिछले 5 महीने में 386 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, 310 लोगों पर हमने गुंडा एक्ट की कार्रवाई की है, जिसमें 310 लोगों का प्रपोजल VDM साहब के सामने पड़ा हुआ है, जिनको जिस जगह से बाहर किया जाना है। प्लस हमने 2 लोगों पे NSA लगाया हुआ है, करीब 200 से ज़्यादा लोगों की मैंने हिस्ट्री शीट खोली है। इस तरह से एक ड्राइव अभी हम लोगों ने और चलाया है कि जो ये 386 हमारे गैंगस्टर हैं जिले के, जिनके खिलाफ हमने 5 महीने में कार्रवाई की है, और जो 310 जिनके खिलाफ गुंडा एक्ट की तहत कार्रवाई की है, उनके परिवार में भी अगर लाइसेंस है तो उस लाइसेंसी असलहे को हम कैंसिलेशन की कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ, और आने वाले दिनों में उनके विरुद्ध जिस तरह की भी जांचें होंगी उसमें सब में निगेटिव रिपोर्ट लगा के, तो उनको किसी तरह का गवर्नमेंट की किसी स्कीम का कोई फ़ायदा नहीं लेने देंगे हम।